हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है। जैसे कि हमने डिस्कस करा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर। इन एंगल्स पर हमने क्या करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करी थी। आज हम देखेंगे, जैसे सपोज हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन साइन ऑफ 120 डिग्री हो गया, कॉस 120 डिग्री हो गया, या फिर आपके पास हो गया टेन 135 डिग्री। तो इन वैल्यूज़, इन पे क्या वैल्यूज़ रहेगी हमारे पास, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एंगल आ रहा है यहाँ पर कितना, 120 डिग्री। तो 120 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। अगर हम क्या करते हैं, 120 डिग्री को लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमें कितना मिलेगा, 120 डिग्री। अब हम कर रहे हैं अगर साइन की बात, साइन 120 डिग्री, इट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हमारे पास क्या होगा, 90 में प्लस या माइनस कोई भी एंगल होगा, तो उसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। और वो किस तरह से चेंज होते हैं, कि साइन है हमारे पास तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और अगर कॉस है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या आ रहा है, टेन है, तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा आपके पास टेन में। इसी तरह से अगर हमारे पास सीकेंट आ रहा है, तो सीकेंट हमारा चेंज हो जाएगा किस में, कोसीकेंट में, और कोसीकेंट सीकेंट में। जब भी हमारे पास क्या होगा, 90 में कोई भी एंगल प्लस या माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और जो साइन आएंगे उनके, वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेट होंगे। अब हमने पहले पढ़ा था कि जैसे हमारे पास है, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, एंड ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेट। अब हमारे पास फर्स्ट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड होता है उसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच के, वो क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव। इसी तरह से थर्ड में हमारे पास टेन, और टेन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉट, वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। इसी तरह से फोर्थ में क्या रहेगा, कॉस, और जो कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सेकेंट, वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 90 प्लस 30, और यहाँ पर कितना आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा है हमारे पास, साइन। तो साइन को किस में चेंज बोला है, कॉस, क्या साइन की जगह कितना हो जाएगा, कॉस। अब क्या हो रहा है, 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा करके कितना मिलेगा हमें, अब साइन तो चेंज हो गया 90 पर कॉस में, अब 90 प्लस थीटा करेंगे तो आएगा हमारे पास थीटा, यानी कि कितना आ गया हमारे पास कॉस, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 30 डिग्री। अब साइन की बात करें, अगर हम 90 प्लस 30, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है 0, यहाँ पर होती है 90 डिग्री, यहाँ पर होती है 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 360 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं, 90 प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट 30 डिग्री। एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करी थी पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो कितनी होती है हमारे पास कॉस 30 की, √3/2। इट मीन्स साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3/2। इसी तरह से अगर हम कॉस 120 की बात करें, कॉस 120 डिग्री, अब 120 को हमने फिर से स्प्लिट करना है, तो किस तरह लिख सकते हैं इसको हम, 90 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस, और आगे क्या हो रहा है, 90 प्लस 30, 90 भी क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, इनकी साइन थीटा बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30, यानी कि कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट की बात करें और साइन की बात करें, अब 90 प्लस 30 कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है हमारे पास, पॉजिटिव कौन से होते हैं, साइन और कोसिकेंट, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव, इनकी कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2, एंड माइनस साइन,
ए माइनस साइन कैसे आया, हमने करा 90 प्लस 30 किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ करा, कॉस के साथ। तो कॉस 90 प्लस 30 करना कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तब आ गया हमारे पास माइनस 1/2। इसी तरह से हमारे पास क्या है, टेन 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री को हम किस तरह से लिख सकते हैं, टेन आ गया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 90 आ रहा है तो यानी कि टेन किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, कॉट में, यानी कि कॉट 45 डिग्री। अब इसमें भी देखें क्वाड्रेट की बात करें अगर, तो 90 प्लस 45 डिग्री एंगल हो रहा है, तो कौन से में जाएगा, सेकंड में जाएगा ये भी, और सेकंड में टेन कैसा होता है हमारे पास, नेगेटिव, इट मींस कैसा आएगा, माइनस कॉट 45 डिग्री। और 45 डिग्री की वैल्यूज हमने पहले पढ़ी हुई थी, कितनी थी हमारे पास, 1, और माइनस साइन, यानी कि टेन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, माइनस 1। तो ये थे हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक एंगल्स जिन पे वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एंगल क्या हो रहे हैं, 90 प्लस या माइनस थीटा करेंगे तो क्या करना है आपने, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इस तरह से चेंज हो जाएंगे आपके पास। अब सपोज आपके पास क्या आ रहा है, 180 प्लस माइनस थीटा करके कोई एंगल बन रहा है, तो वो किस तरह से होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।